हे गाइस, देखो आज के रेट में ब्राइटकॉम के ऊपर सर अच्छा खबर आया, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। है तो सर रिस्की स्टॉक, ये पूरी दुनिया जानती है, आपको भी पता होगा। कल के डेट में स्टॉक खरीद लेते हैं लोग, फंस जाते हैं, फिर बोलेंगे सर तुमने बताया। मेरा रिसर्च अलग होता है सर, न्यूज़ अलग होता है, रूमर अलग होता है सर, जो रिपोर्ट होता है वो अलग होता है। कहीं से जो कमेंट वाली जो चीज़ें होती है उसके ऊपर वीडियो बनाता हूँ स्टॉक के ऊपर, तो वो अलग होता है सर, सब अलग होता है, जानने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। कहीं कहीं तो सर मैं आपको चार बार पाँच पाँच बार डिस्क्लेमर दिखा के रखता हूँ सर, ऐसे दिखा दिखा कर दो मिनट तक ऐसे ही रखता हूँ, क्यों, ताकि लोग पढ़ ले सर। याद रखिएगा सर, आप जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदते हो, जिस दुनिया में आप रहते हो सर, किसी भी दुनिया में आप रहते हो, वो आपको पता होगा ज़्यादा सही तरीके से मेरे से, अच्छा है कि नहीं। जिस भी दुनिया में आप रहते हो सर, कुछ भी आप खरीदते हो, कुछ भी आप खरीदते हो सर, कुछ का मतलब कुछ भी, उसके ऊपर सर लेबलिंग होता है, पैकेजिंग के सर ऊपर लेबलिंग लगा हुआ होता है, और लेबलिंग के ऊपर सर लिखा होता है डिस्क्लोज़र, डिस्क्लेमर, सब कुछ लिखा होता है कि इस प्रोडक्ट को ऐसे यूज़ मत कीजिएगा, इस प्रोडक्ट को ऐसे इस्तेमाल करना है, वहाँ लिखा होता है सर, ताकि कस्टमर के साथ मतलब उनको कुछ गलत ना हो जाए सर। बात समझ में आ रही है ना? तो सर अब बाकी अगर लोग अगर मान लीजिए उनको गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो सर वो गलती किसकी हो जाती है? लोगों की, ना कि सर उस कंपनी की। अगर कंपनी ने सर वो लेबल नहीं लगाया वहाँ पर और फिर खरीद लिया लोगों ने, तब तो गए काम से, ठीक है, तब तो कंपनी की गलती है सर। बाकी ऐसे सारा गलती लोगों का रहता है, क्यों, क्योंकि उनको सारी चीज़ें बता दी जाती है फिर भी, ठीक है। तो देख लीजिए, क्योंकि सर आज ये भाग रहा है तो आप लोगों को बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा होगा, लेकिन सर उन लोगों के बारे में सोचिए जिन लोगों ने सर इसको 120 रुपये के रेट में ख़रीद रखा है, और आज सर लगभग ये देखेंगे तो 92% गिर चुका है सर, तो लोगों को भाई टेंशन भी होता है कि नहीं है। तो कहने का मतलब है कि सर इनके अंदर बहुत सारे मतलब गलत काम हुए थे, जिसके अंदर से जिसके वजह से गिरावट देखने को मिला। गलत काम मतलब सर इनके जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने सर गलत प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिखाया, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने जो दिखाया वो गलत थे, बहुत सारे पार्टनरशिप जो इन्होंने दिखाया वो गलत थे, बहुत सारी चीज़ें सर जो लगभग एक्चुअल लेवल में नहीं था सर, ग्राउंड लेवल में कुछ नहीं था फिजिकली, सब कुछ सर लगभग जो है मतलब दिमागी तौर से तैयार किया गया था। अब ये चीज़ पकड़ी गई तो सर इनके वजह से इनके स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिला। आज अच्छी खबर आई है जिसके कारण सर इसमें 5% का सर्किट देखने को मिला, ठीक है, और पिछले एक महीने से सर्किट देखने को मिल रहा, लेकिन पिछले एक महीने से जो सर्किट देखने को मिल रहा है और आज जो सर्किट देखने को मिला, इसके बीच में रीज़न है सर। रीज़न क्या है यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो देख सकते हो, एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आया है सर, इसी अपडेट के कारण जो है स्टॉक्स में तेज़ी देखने को मिली है सर। ब्राइटकॉम ग्रुप शेयर यहाँ देख सकते हो बताया जा रहा है, उनके बारे में अपडेट है। तो ये जो इम्पॉर्टेंट अपडेट है सर, ये क्या है, रिजम्पशन ऑफ नॉर्मल ट्रेडिंग। रिजम्पशन मतलब क्या होता है सर, मतलब कि जो चीज़ें बंद हो चुकी है उसको फिर से स्टार्ट कर देना सर, दोबारा से स्टार्ट कर देना सर। नॉर्मल ट्रेडिंग मतलब पहले क्या था सर, इनकी ट्रेडिंग को रोक दिया गया था, किसके तरफ से, NSE की तरफ से भी और BSE की तरफ से भी। NSE और BSE का सर एक रूल है, वो रूल ये कहता है कि अगर आप लोगों ने क्वार्टर रिजल्ट अपडेट नहीं दिया तो सर और कुछ गलती अगर आपने किया तो आपकी कंपनी की ट्रेडिंग ही स्टॉप कर देंगे सर, मतलब ना ही लोग खरीद पाएंगे और ना ही लोग बेच पाएंगे। कहने का मतलब है जिन्होंने खरीद रखा है सर वो फंस गए, क्यों, क्योंकि सर अब वो उनके पास वो शेयर नहीं है सर, वो एक पत्थर है जो किसी को बेच नहीं पाएंगे सर, ये दिक्कत है। तो इसकी वजह से सर इन्होंने क्वार्टर रिजल्ट को फिर उन्होंने अनाउंस किया, क्वार्टर रिजल्ट को लाया, जो अपडेट था वो लाया, उनके बाद जो जो इनके अंदर गलतियाँ थी वो सारी चीज़ें पकड़ी गई, मैनेजमेंट को भी चेंज किया गया, सब कुछ करने के बाद जो है इनको जो है फिर इन्होंने NSE BSE को लेटर लिखा कि भाई हाँ हमें नॉर्मल ट्रेडिंग दे दिया जाए, उसके बाद जो है सब कुछ हुआ तो स्टॉक भागना स्टार्ट कर रहा। वही यहाँ पर आपको बताया जा रहा था कि एक मीटिंग रखा गया था सर, ठीक है, ऑफिशियल फ्रॉम NSE और BSE की तरफ से वर्किंग, तो उसके ऊपर रखा गया था, उनके ऊपर बातचीत की जा रही थी कि भाई हम सारी चीज़ों को सॉल्व कर देंगे, तो जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर देंगे, तो उसके लिए सर इनको जो सस्पेंड किया गया था, जो सस्पेंशन किया गया था ट्रेडिंग के लिए, इनके स्टॉक्स नहीं ट्रेड कर रहे थे, तो वो सही कर दिया जाए, उसके लिए NSE BSE जो भी बोलेगी ये लोग करने के लिए तैयार थे। जहाँ पर बोला जा रहा था कि फर्स्ट ट्रेडिंग डे ऑफ एवरी वीक, तो यहाँ पर लगभग एक दिन ही आपको देखने को मिलेगा, वीकली ट्रेडिंग देखने को मिलेगा, वो भी सर लगभग जो है नॉर्मल डिलीवरी में आपको देखने को मिला था, ठीक है, तो डिलीवरी में आपको देखने को मिला था नॉर्मल ट्रेडिंग, यहाँ देख सकते हो बताया जा रहा था, हाँ जेड कैटेगरी में इनको डाल दिया गया था सर, तो ये डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग यहाँ देखने को मिला था, टेक प्लेस आपको देखने को मिला था, बाकी सारी चीज़ें कुछ भी नहीं था सर, और वो भी लगभग वीकली, तो लोगों को टेंशन हो रहा था सर यहाँ पर कि क्या पता क्या होगा नहीं होगा, तो उस दिन भी सर सेलिंग प्रेशर के कारण स्टॉक लोअर सर्किट ही लग जाता था। तो यहाँ पर सर यहाँ देख सकते हो, यहाँ बताया जा रहा था BSE NSE ने यहाँ पर लगभग जो भी यहाँ इनको बोला वो सारी चीज़ें लगभग जो है सीरियसली सर उनके ऊपर फिर इन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया सर, ताकि उनको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए और नॉर्मल ट्रेडिंग डे में लाया जाए सर, और उसी लिए सर मैनेजमेंट ने यहाँ पर बोला कि देख सकते हो बताया जा रहा वी आर कॉन्फिडेंट, ठीक है, ये इनको जो है अपने आप पर भरोसा है कि ये वापस सब कुछ कर लेंगे, कॉन्फिडेंट दैट वी आर ऑन दैट बताया जा रहा सर, देख सकते हो ट्रैक टू फुलफिल देज रिक्वायरमेंट इन नियर टर्म आपको बताया जा रहा सर, और ये सारी चीज़ें जो है जो भी है सब कुछ नॉर्मल ट्रेडिंग डे में ला देंगे, तो इससे होगा क्या कि जितने लोग फंसे पड़े हैं बेचारे वो तो निकल जाएंगे,
वो तो निकल जाएंगे सर। तो ये जो है एनएससी बीएससी में मीटिंग होने के बाद ये सारी चीज़ें हो जाएगी। इसके बाद क्या होगा कि लगभग ट्रेडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा तो कंपनी अपना बिजनेस करना स्टार्ट कर देगी, क्योंकि सर इनका मैनेजमेंट वगैरह भी चेंज हो चुके हैं। तो ये इतनी सी खबर थी सर, जिसके कारण जो है इसमें लगभग जो है तेज़ी देखने को मिली है। तो मैं आपको इतना ही बोलूँगा कि देखिए कंपनी वैसे तो बहुत बहुत कम, मतलब सर बहुत कम दामों में देखने को मिल रही है, तो बस जो इसके अंदर गलतियाँ हैं सर उसको सुधार दिया जाए। क्यों? क्योंकि सर अगर आप देखोगे कंपनी के पास देखिए कितना है रिजर्व एंड सरप्लस, तो सर 1200 करोड़ का, 1170 करोड़ का सर कंपनी के पास इतना पैसा है। कंपनी सर अंडर वैल्यूड नहीं है, ये मत बोलिए कंपनी अंडर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड से भी अंडर वैल्यूड है सर, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहे। क्यों नहीं बोल पा रहे? क्योंकि सर मैनेजमेंट ने गलती कर रखी है। अब वो एनएससी क्या करेगा, बीएससी क्या करेगा, सेबी क्या करेगा, और जो लोकल इनको केस हो रखे हैं वो क्या होगा, उसके बाद कुछ हो पाएगा सर। कंपनी अंडर वैल्यूड का भी अंडर वैल्यूड है, लेकिन प्रॉब्लम है ट्रेडिंग नहीं हो रही है। भाई पैसा लगा दिया आपने तो फंस गए। क्यों भाई? कंपनी के औकात से तो सर कंपनी के पास इतना पैसा पड़ा हुआ जो कि नहीं होता सारी कंपनियों में। उसके बाद लॉन्ग टर्म यहाँ देख सकते हो, लॉन्ग टर्म बोरिंग क्या है सर, केवल 100 करोड़ का, कुछ भी नहीं है सर, कुछ भी नहीं है, डेट फ्री समझे। शॉर्ट टर्म में तो सर कुछ है ही नहीं, डेट फ्री एकदम जीरो, कुछ भी नहीं है सर कंपनी के पास, मतलब सब कुछ ओके है। क्यों? क्योंकि हुआ क्या सर, कहने का मतलब है कि देखो सर एग्जांपल मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ठीक है। कंपनी 5000 करोड़ की थी सर, 5000 करोड़ की थी। अब क्या हुआ कि सर कंपनी के ऊपर जब सारे एलिगेशन लगने स्टार्ट हो गए और वो सब प्रूफ होना स्टार्ट हो गया, तो सर कंपनी गिरना स्टार्ट हो गया 5000 से। अब कंपनी का सर जो रियल एक्चुअल वैल्यू था ना वो कितना था सर, 1500 था सर। अब गिरते गिरते सर ये 1500 से भी गिर के आ चुका है सर नीचे, 1500 से भी गिर के आ चुका है नीचे। तो सर कंपनी अपने वैल्यूएशन से कई गुना गिर चुका है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मैनेजमेंट जब तक सही नहीं हो जाए तब तक कुछ बोलना मुश्किल है सर। बाकी मैं आपको इतना ही बोलूँगा कि देखते हैं, चीज़ें सही होने का इंतजार करते हैं, ना कि सर लगभग जल्दबाजी में कुछ गलत एक्शन लेंगे। हम लोग बिल्कुल इंतजार करेंगे, पेशेंस रखेंगे।